बताऊंगा कि अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो सबसे पहला स्टेज आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, सबसे पहला एग्जाम आप कौन सा दोगे, किस तरह से उस एग्जाम में अपियर करोगे, क्या क्या तैयारियां होना चाहिए, क्या क्या चीज आपको पढ़ना है, ये सारी चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले आप ये जान लो कि इफ यू वॉन्ट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देन सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशन की एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, ठीक है ना। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब होता है एक्सपर्ट इन अकाउंट्स, यानी जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो यानी आपसे बेहतर अकाउंट्स का नॉलेज किसी को हो ही नहीं सकता। यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मींस एक्सपर्ट इन अकाउंट्स, और वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का मतलब होता है मेरे हिसाब से कंप्लीट आराम, है ना, सीए कंप्लीट आराम। तो कंप्लीट आराम लेने के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको करना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इफ आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे अंदर वो जज्बात होनी चाहिए, मेरे में पैशन होना चाहिए। पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी रिक्वायर टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये पैशन आप में तब तक होना चाहिए जब तक आप सीए की डिग्री हासिल ना कर लो, एक संघर्ष करो सीए की डिग्री को हासिल करने के लिए, एक अंदर से पैशन जज्बात ले आओ कि मुझे ये हासिल करना ही पड़ेगा, तो आपको दुनिया का कोई भी ताकत हासिल सीए की डिग्री हासिल करने से नहीं रोक सकता। तो आइए मैं आपको बताऊं कि अगर इस मुझे सीए की जर्नी को स्टार्ट करना है तो इसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए। तो हमारा सबसे पहले जो कोर्स आता है वो है सीए फाउंडेशन का कोर्स, ठीक है ना। अब देखिए सीए फाउंडेशन की कोर्स को करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले यू मस्ट हैव अपियर्ड फॉर योर स्टैंडर्ड 12 एग्जामिनेशन, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, अगर आपके पास 12 की डिग्री है तो आप आराम से सीए फाउंडेशन का कोर्स कर सकते हैं। दूसरी बात है तो सर ये बताइए कि क्या इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है कि इतना मार्क्स मुझे लाना ही पड़ेगा तभी मैं सीए फाउंडेशन के द्वार में घुस सकता हूँ, सीए फाउंडेशन कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कोई स्टिप्युलेशन हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से नहीं है कि जो कितना परसेंटेज मार्क्स लाओ तभी आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है ना। तो शायद परसेंटेज आपका 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, कितना भी परसेंटेज आप ले आओ आप सीए फाउंडेशन आराम से हंस के कर सकते हो। तीसरी बात की सर अगर हमें सीए फाउंडेशन करना है तो सर हम ये रजिस्ट्रेशन कहां से कराएंगे, तो रजिस्ट्रेशन देखिए बिल्कुल ऑनलाइन है और बहुत आसान है। आप आईसीएआई के पोर्टल में जाएंगे और आईसीएआई के पोर्टल में वहीं से आपका पेमेंट भी हो जाएगा। पेमेंट कितना करना है सर, तो 9200 रुपीज का पेमेंट है, ठीक है ना। दूसरी बात है जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो आपके घर पे पोस्टल एड्रेस पे इंस्टीट्यूट के तरफ से स्टडी मटेरियल्स भेजा जाएगा। और मैं आपको बताता हूं, मेरी एक्सपीरियंस से बताता हूं, मैंने भी इसी तरह से पढ़ाई किया था कि अगर आप उस स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको दूसरे किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल इतना बढ़िया है, बहुत डिटेल्स में है, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप उसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। उतना अगर आप पूरा कर लेते हो तो आपको फाउंडेशन का एग्जाम रोकने में पास करने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे आईसीआई के पोर्टल में तो 9200 रुपए आपका पेमेंट लग जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और साथ ही आपका स्टडी मटेरियल्स भी पहुंच जाएगा। अब सवाल है कि सर ये रजिस्ट्रेशन हमें कब कराना है, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये साल में 2 बार होता है, ठीक है ना। इनफैक्ट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साल में हमारी इंस्टीट्यूट आईसीएआई जो है ये 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है सीए फाउंडेशन का। एक एग्जाम कंडक्ट करती है मई में, दूसरा एग्जाम कंडक्ट करेगी वो नवंबर में। तो अगर आपको मई के एग्जाम में अपियर होना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अगर आपको मई के एग्जाम में अपियर होना है तो फरवरी एंड तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। अगर आपको नवंबर में अपियर होना है तो आपको मई एंड तक रजिस्ट्रेशन अगर आपको नवंबर में अपियर होना है तो अगस्त के एंड तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे स्टडी मटेरियल विल कम एट योर पोस्टल एड्रेस, और कितना पैसा लगेगा, 9200, ये भी ऑनलाइन आप पेमेंट
करोगे। दूसरी बात, अब हम लोग आते हैं कि सर इसमें हमें सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूं, तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे चार सब्जेक्ट्स है, चारों 100-100 मार्क्स का है, जिसमें से पेपर वन और पेपर टू जो है ये सब्जेक्टिव होगा और पेपर थ्री और पेपर फोर जो है ये ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी जिसे कहा जाता है। तो पहले मैं पेपर वन की बात करूं, पेपर वन में है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का ये पेपर है, बिल्कुल सब्जेक्टिव है और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जो आप स्टैंडर्ड 11, 12 में पढ़े हो लगभग 80% कोर्सेज उसी से रिलेटेड है, बाकी 20% जो है वो आपको नए सिरे से पढ़ना है, तो ये 100 मार्क्स का है। दूसरा है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये भी 100 मार्क्स का है, बिल्कुल सब्जेक्टिव है, जिसमें से बिजनेस लॉ आप देखो 60 मार्क्स का है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है 40 मार्क्स का, ठीक है ना। तो ये पहला दो पेपर हो गया। तीसरा पेपर हमारा है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये आप देखो जो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है ये 60 मार्क्स का है, और मैंने पहले ही बताया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा, और स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का है, लगभग वो स्टैटिस्टिक्स है जो आपने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा है, थोड़ा सा और एडवांस है, जब आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी आपको, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, और ये 100 मार्क्स का है। सब्जेक्ट नंबर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स का है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा, और ये 100 मार्क्स का हो गया। अब सवाल है सर ये बताइए कि ये तो 400 मार्क्स का एग्जाम आईसीआई कंडक्ट करेगी, तो इसमें हमें लाना कितना परसेंटेज है सर? तो मैं आपको बताऊं इसका पासिंग परसेंटेज जो है वो है 50%, यानी एटलीस्ट आउट ऑफ 400 आपका जो है 200 मार्क्स आना ही चाहिए, यू हैव टू स्कोर 200 आउट ऑफ 400। अब सवाल है कि सर ये 200 कैसे आना चाहिए, मान लीजिए मैं इसमें 100 ले आया, इसमें 100 लाया, इसमें 0 और 0 ले आया, तो क्या आईसीआई मुझे सीए फाउंडेशन की डिग्री दे देगी? एब्सोल्युटली नॉट। तो इसमें इसमें देखिए स्टिपुलेशन क्या है, सबसे पहली बात कि आपको 50% मार्क्स चारों में मिला करके लाना है, यानी 200 मिनिमम मार्क्स लाना है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 आना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 आना ही चाहिए, और बाकी चारों को मिला के टोटल कितना आना चाहिए, 200, ये पास मार्क्स है, उससे अधिक आप लाए, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि सीए फाउंडेशन के लिए किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करोगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अगली वीडियो में मैं इसके अगले स्टेज के बारे में बात करूंगा।